है गाइस, स्वागत करते हैं मैं आपके अपने चैनल पिक्सी फैमिली व्लॉग्स में। मैं आई हुई हूँ अपने घर और मैं मिलवाती हूँ आपको अपने पापा से। ये है मेरे पापा, मिल लो। हाय करो, हाय ऐसे करो, हेलो हेलो बोल लो। हेलो, ये है मेरे पापा, आज पहली बार मिलवाई है मैंने आपको अपने पापा। हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिक्सी फैमिली व्लॉग्स। तो ये थोड़ी सी क्लिप मेरा भाई बना कर लाया था, ये है खेतों की क्लिप। यहाँ पर ना बंदर आ गए थे और खेतों में बुए हुए है गेहूँ, और ये बंदर आकर ना बहुत नुकसान करते हैं खेत में, गन्ने वगैरह जो बोए हुए हैं ना ये खा जाते हैं। और देखो ये मैं आपको दिखा रही थी खेत, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब तो ऊपर वो बंदर पड़ता। हे गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल पिक्सी फैमिली व्लॉग्स में। तो आज हम जा रहे हैं मीरापुर कपड़े लेने के लिए, साथ में बैठी है पिक्सी। और इधर कौन है? इधर बैठी है मेरी छोटी भाभी और मेरा छोटा भाई चला रहा है गाड़ी। वैसे तो मैं भाई बोलती नहीं, उसका नाम नहीं लेती हूँ, पर आज बोलना पड़ रहा वीडियो में थोड़ा सा, हमेशा लड़ता ही रहता है। तो हम जा रहे हैं मीरापुर, हमारे जाने का नंबर आ गया है ससुराल में। तो आज कपड़े ले आते हैं, कल जाएंगे हम अपने ससुराल में। तो पापा का बैंक बैलेंस ठंडा करवाने आ रही आज मौका लगा आज पापा के पैसों की शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो छोटा भाई कराएगा हमारी शॉपिंग आज बाजार जाके, और साथ में हमारे गोलू मोलू भी बैठे हैं। हाय गाइस, दिख भी रहा है पता नहीं। ये देखो फोन छीन लिया। अम्मा हाय हाय छोटो, लाइक सब करो, बाय बाय। तो जो पिक्सी ने बोला भाई प्लीज वो कर देना, हर कोई बहुत वीडियो आ चुकी मेरी, सब वीडियो देख रहे हैं पर कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो या ना करो सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई। तो हम जा रहे हैं मीरापुर कपड़े लेने के लिए, आज अपने पापा के थोड़े से पैसे खत्म करवा दे कपड़े लेने में। और ये चला रहा है गाड़ी, सामने बैठा है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये तो मेरा छोटा भाई और साथ में हम छोटे भतीजे को भी ले रही हूँ। तो हम जा रहे हैं, चलो मिलते हैं आपसे बाद में, दिखाएंगे हम क्या क्या शॉपिंग करके लेकर आए। और ये देखिए, ये पिक्सी ना पूरे रास्ते ना ऐसी गाड़ी में खड़ी होकर आती है। ये कहीं भी जाओ, इसे कहीं भी आना हो, चाहे मेरठ जाना हो घर से, चाहे मेरठ से घर आना हो, तो ये ऐसी गाड़ी में खड़ी हुई आती है। ये पूरे रास्ते ना गाड़ी में बैठती नहीं, ऐसी खड़ी रहती हैं। और हम पहुंच गए थे मीरापुर में, दिखा रही थी आपको स्टार्टिंग में, मीरापुर में बहुत अच्छे खेत थे। तो ये बाहर की साइड एकदम खेत पड़ते हैं और उसके आगे सारा मीरापुर है। तो मीरापुर ना पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया, पहले इतना बड़ा नहीं था, पहले ये बहुत छोटा था और अब काफ़ी बड़ा हो गया है। बहुत हो रहा था कि इसमें दुकानें आ गई हैं। तो हम पहुंच गए हैं मीरापुर और करते हैं शॉपिंग, मिलती हूँ उसके बाद आपसे। थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हमारे साथ दो बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्हें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे देखेंगे। तो हम आ गए हैं मीरापुर और हम चलते हैं सबसे पहले बाजार में कपड़े खरीदने के लिए। मैं आपको मीरापुर भी दिखाती हूँ। हाँ। शॉपिंग करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? शॉपिंग करने। और ये ना पूरे रास्ते ना ऐसे खड़ी होके आई है, ये बिल्कुल भी गाड़ी में एक मिनट के लिए भी नहीं बैठी, ऐसी खड़ी खड़ी आई है। कोई बात नहीं, बच्ची है। तो हम मीरापुर से आ गए थे अपना सामान वामान लेके, जो हमें लेकर आना था हम वो लेकर के आ गए थे। फिर उसके बाद हम आ गए थे ताऊ जी के यहाँ पर, क्योंकि ताऊ जी की जो बेटी है उनकी है आज एनिवर्सरी, तो वो यहीं पर थी अभी शादी के बाद, यहीं पर रुकी हुई थी, हम भी यहीं पर थे। तो हम आ गए थे इधर, उसने क्या है पार्टी कर रखी थी, तो हम सब इधर आ गए। तो यहाँ पर पिक्सी बोल रही थी हेलो, आज मेरी मासी की एनिवर्सरी है, लेकिन उसको ना बोलना नहीं आ रहा था और वो क्लिप मेरे से कट गई पता नहीं कैसे। तो मैंने फिर वही सवर करके मैं बता रही हूँ। और इधर बैठी हुई थी हमारी भाभी, दीदी, ताई जी, तो जिनकी एनिवर्सरी है, मैं अभी आपको उन दीदी से मिलवाती हूँ। तो ये है वे दीदी जिनकी एनिवर्सरी है, और इधर बैठी हुई है भाभी और ये भी कर रही है हाय हेलो। और ये बड़ी भाभी है, ये छोटी भाभी है मेरी, और ये
दूसरी भाभी है, ये भी ताऊ जी के बेटे की बहू है और ये भी ताऊ जी के बेटे की बहू है। तो ये मेरी भाभी है और ये दीदी है जिनकी एनिवर्सरी है, और इधर बैठी है नई भाभी जिनकी शादी हुई है। ये भाभी है तो ये थोड़ा ना शर्मा रही थी ये वीडियो में नहीं आ रही थी, और ये आज ही अपने घर से आई थी तो थोड़ा शर्मा भी रही थी। इधर बैठी है बड़ी भाभी, उधर बैठी है ताई जी, तो मैंने बोली थी कि हेलो कर दो, लेकिन ये हेलो नहीं करी, थोड़ी सी शर्मा रही थी। अभी नई नई है तो इनके लिए सब कुछ नया है अभी, जिस वजह से ये थोड़ा शर्मा रही थी। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत बन जाएगी इनको भी, जब रहते हैं तो थोड़ा सा खुल जाते हैं, अभी तो थोड़ी शर्मा रही है। और हम इसी रूम में बैठे थे, भाई के रूम में ही बैठे थे, और ये भाभी ये बहुत मजाक कर रहे थे। हम यहाँ पर पार्टी कर रहे थे तो बहुत मस्ती मजाक हमारा चल रहा था, जिस वजह से हम खूब हंस रहे थे, पूरी मस्ती मजाक चल रहे थे यहाँ पर। तो इनकी एनिवर्सरी में हमने खूब मस्ती मजाक सब कुछ किया, तो हम बैठे रहे यहाँ पर और मस्ती मजाक खूब कर रहे थे, खा रहे थे। खाने के बाद खाना पीना हो करके हमने उसके बाद भी हम बैठे रहे, बाद में मस्ती करते रहे, ऐसी हंसी मजाक। जब एक साथ भाभी लोग सब बैठे रहते हैं तो हंसी मजाक पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें छिड़ती हैं और चलती रहती है बातें, तो जिस वजह से ना मस्ती मजाक ज़्यादा होता है, और इसलिए हम सब इतने हंस रहे थे। और मैं बार बार मैं इनकी तरफ कैमरा कर रही थी, लेकिन ये बहुत शर्मा रही थी, ये अपने आप को नहीं दिखा रही थी बिल्कुल भी। और उधर बैठी है ये बड़ी भाभी। तो ये तीन देवरानी जेठानी है, यानी कि मेरे ताऊ जी के तीन बेटे हैं। तो ये छोटे भाई के भी शादी हुई है, ये दो बड़ी हैं, तो ये इनसे सबसे छोटी हैं। तो ये तीन हैं, दो मेरी भाभी हैं, पांच और दो दूसरे ताऊ जी के हैं, तीन दूसरे ताऊ जी के। तो कितनी सारी भाभी आए हमारे घर में, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाने के बाद। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल पिक्सी फैमिली व्लॉग्स में। तो ये हमारी नई भाभी है जो अपना चेहरा नहीं दिखा रही, कोई बात नहीं दिखा रही, थोड़े दिन बाद अपना चेहरा भी दिखाएगी। अभी शर्मा रही है थोड़ा सा, बड़ी है वो है बड़ी भाभी, वो ताई जी है उधर। चलो उनके जो फोन का कैमरा है ना क्लियर नहीं है, चलो आप भी क्लियर करवाऊंगी। और ये है मेरी बहन जिसकी एनिवर्सरी है, और हम सब यहाँ पार्टी कर रहे हैं अभी जी जी। और ये है मेरी बड़ी भाभी, अब सब खा चुके और क्या पार्टी है, हेलो कर दो। ये है बड़ी भाभी, और ये है छोटी, और ये है छोटी, ये दोनों छोटी है, छोटी है, छोटी हो गए ना। और ये है पिक्सी। तो हमारी चल रही है पार्टी, हम करते हैं यहाँ पे पार्टी, समोसे खा लिया, क्या रखेगी। तो शादी भी हो गई, दीदी की एनिवर्सरी की पार्टी वार्टी भी हो गई, उसके बाद हम चल दिए तैयार होकर अपने ससुराल के लिए। तो मैं जा रही हूँ आज अपने ससुराल, तो तैयार मैं हो गई थी और पिक्सी भी तैयार हो गई थी, उधर गाड़ी में बैठने के लिए हम तैयार खड़े थे। बारो थोड़ा सा ना इमोशनल भी हो रही थी, लेकिन मम्मी, ये मेरी मम्मी है, मैंने बोली मम्मी हेलो कर दो, इधर खड़ी है बड़ी भाभी, और ये सब ऐसी हो रही थी मुझे देख के। और जब घर में आए हुए होते हैं कितने दिन के बाद ससुराल जाते हैं, तो थोड़ा मन तो अजीब सा होता है, थोड़ा मन नहीं करता ऐसे होता है। और जो घर के मेंबर होते हैं उनका भी जी टूटता ही है। तो इधर खड़ा हुआ था यहाँ पर मेरा भाई, और मैं उसे दिखा रही थी, इसे बोल रही थी हेलो कर दी, ये है मेरा बड़ा भाई। और ये बोल रहा था कि चल निकल अब मत आना मुझे बोला था कि चल निकल अपने घर अब मत आना। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल पिक्सी फैमिली व्लॉग्स में। तो आज हम जा रहे हैं अपने ससुराल, मायके का काम जो मायके में शादी वाली थी वो ख़त्म हो गई है, और मैं जा रही हूँ आज ससुराल अपने मेरठ। तो जाने में बहुत अजीब लगता है जब अपने घर को छोड़ के जाते हैं, थोड़ा सा रोनी भी आती है, पर चलो कोई बात नहीं, जाना तो है ही है। पिक्सी कैसा लग रहा है तुझे अपने घर जाते हुए? अच्छा, कोई तो अच्छा नहीं लग रहा हमारे घर जाते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर जाने में। चलो कोई नहीं, चलते हैं फिर, मिलती हूँ आपसे मैं मेरठ चल के। और हमें भूख लग गई थी, हम कुछ खाने के लिए यहाँ पर उतर गए थे, हम यहाँ पर कुछ खा पी लेंगे और मैं इस वीडियो का भी यहीं एंड करूँगी। मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।